नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा। इस चैनल पर आपका स्वागत है। ना तो शिरडी की गलियां सोती है, ना तो शिरडी का राजा सोता है। तो आज इस राजा का संदेश आप सभी भक्तों के लिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी मनमानियां करने लगते हैं, कुछ प्यार में पढ़कर अपनी जान देने को भी उतारू हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते, आज की पीढ़ी वो ये नहीं सोचते कि जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया और सपने देखे और पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उन माँ बाप के लिए बच्चे ना पराये हो जाते हैं। बच्चों के लिए वो शख्स बहुत अहमियत रखता है जो कि चंद दिन पहले या चंद साल पहले आया। और बच्चे जब उनको छोड़ के, जो उनका साथी है जब उनको छोड़ के जाता है, तो बच्चों को माँ बाप नहीं दिखते। बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं दिखता, सिर्फ वो दिखता है जो कि उसके लिए बना ही नहीं। और कुछ बच्चे आके डिप्रेशन में सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आज के उन बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगी जिन माँ बाप ने आपको पाला है, पोसा है, सपने देखे, अपना पेट काट के, अपनी भूख प्यास मार कर आपको पढ़ाया और लिखाया है। आज उनके लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, या डिप्रेशन में आ रहे हो, या अपनी जान देने पर उतारू हो रहे हो, क्या ये सही बात है? ये परमपिता परमेश्वर जो हमारा भगवान है, हमारा बाप है, जो हमें हर चीज़ से नवाजता है, आपको अकल भी उन्होंने दी है, आपको बनाया भी उन्होंने है। ये जो शरीर है ये 206 हड्डियों से बना हुआ है और मांस से पूरा लिपटा हुआ है, ना जाने कितनी मांसपेशियां हैं इसमें। तो क्या आपको लगता है कि बाबा आपको सुनते नहीं है? जो ये शरीर को जिसने बनाया है और हमको इस ढांचे को इसमें जान दी है, तो क्या वो हमारी चीज़ों को समझता नहीं है? क्या वो ये नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए? क्या वो ये नहीं जानता कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? जो बच्चे आज अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते, वो जीरो रहेंगे। एक गोल बनाओ कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। मेरे माँ बाप ने सपने देखे हैं, मेरे माँ बापों ने कितनी मेहनत की है। बहुत सारे हाई फैमिलीज के हैं जिनको विरासत में सब कुछ मिला है, और जो कि गरीब है, जो आप दूसरों के घर में बर्तन मांज के आपको पढ़ा रहे हैं, जो झाड़ू पोछा लगाकर आपको पढ़ा रहे, उन माँ बाप के सपने को क्यों तोड़ते हो? आगे बढ़ो, जिंदगी ऐसे खड़ी है आपको थामने के लिए। आप अगर डिप्रेशन में जा रहे हो और आप उस चीजों को पाल रहे हो, ये आपकी गलती है, उसको बड़ा कर रहे हो। अरे कुछ अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। ये परम पिता परमेश्वर इतना आशीर्वाद देगा कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसानों में आप गिने जाओगे। बस अपनी नियति, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति पर कायम रहो। अपने माँ बाप की जिन्होंने सेवा नहीं की, अपने माँ बाप का जिन्होंने अपमान किया, उनको जिंदगी में कभी 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 उनको सुख नहीं मिलेगा और ना वो आगे ग्रो अप करेंगे। तो मैं आज उन पीढ़ियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपने माँ बाप के नहीं है, वो दुनिया में किसी के नहीं है। जो आपको छोड़ के जा रहे हो आप उनके लिए रो रहे हो, जो आपके लिए जी रहे हो उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनके लिए करो। बस मेरा मैसेज यही था आज का, कि इतना बलवान कर दो कि लोग आपको सलाम ठोक के जाए कि सामने बंदा खड़ा है और उसकी कोई वैल्यू है। अपने आप को इतना गिराओ मत कि लोग आपको पीठ पीछे गालियां दे के जाए। आपके नाम से प्यार करो, यही आपकी पहचान है। जिसने अपने नाम से प्यार किया वो दुनिया का, वो इतना सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकता है। जो अपने नाम से प्यार करता है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपने नाम से प्यार है, वो कभी अपने नाम को डुबोएगा नहीं। तो ये आज मैसेज उन बच्चों के लिए है जो कि डिप्रेशन में जा रहे हैं किसी और के लिए। अपने माँ बाप की इज्जत करो, वही सर्वस्त्र है, और उसके बाद अपने परम पिता परमेश्वर की राह पे चलो। ओम साई राम, जय साई राम।